हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको देश के सबसे अच्छे 5 शेयर बताऊंगा जिसमें आप लोग मंथली SIP कर सकते हो रिटायरमेंट के लिए। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, मैं जिस कंपनी को चूज किया उसका नाम है IGL। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है। इसका भाई जो प्रमोटर है वो BPCL और गेल है, तो कभी भी कोई दिक्कत होगा नहीं प्रमोटर की तरफ से और इसमें आपका पैसा भी सेफ रहेगा। IGL का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 45% होल्डिंग है। ये जो भाई 45% होल्डिंग है उसमें से 22.5% जो होल्डिंग है वो BPCL का है और गेल का भी 22.5% होल्डिंग है। दोनों को प्लस करोगे तो 45% हो जाएगा। FIS का जो होल्डिंग है IGL में 21.08% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है IGL में 7.85% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी में जो होल्डिंग है IGL में 9.03% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है 6.15% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 10.69% होल्डिंग है। कोई भी शेयर IGL का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। LIC के पास जो होल्डिंग है IGL में 6.24% होल्डिंग है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ IGL का। पी रेशियो है IGL का 27.05 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है IGL का 5.15 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है IGL का 0.66% का डिविडेंड यील्ड है। ROC लेटेस्ट देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया है, 46.99% का ROC लेटेस्ट है। ROE देख लो 19.05% का। तो भैया मुझे इसका ROC, ROE, डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो, वैल्यूएशन जो है वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा IGL का वो 88 से 104 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो देख लो भाई गुड बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का 8.01% का है। एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का 13.30% का है। तो भैया मुझे इसका एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। IGL अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आगे भी रिटर्न बना के देगा भाई। तो देखो 10 साल में टर्न है वो 1079.68% टर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा टर्न माना जाएगा 10 साल में। सेंसेक्स का टर्न है वो 186.70% टर्न है। 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है। देख सकते हो 151.91% टर्न है, जो कि बहुत अच्छा टर्न माना जाएगा। सेंसेक्स का टर्न है 40.15% टर्न है। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में टर्न है 17.12% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 6.76% टर्न है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में टर्न है 14.49% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 7.36% टर्न है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 14% टर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देखो भाई, 1 मंथ में टर्न है -10.36% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -3.07% टर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में टर्न है 1.14% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -2.97% टर्न है। 1 डे में देख लो, 1 डे में टर्न है 0.46% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 0.42% टर्न है। तो भैया आप लोग IGL में मंथली SIP कीजिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। प्रमोटर की तरफ से कोई दिक्कत होगा नहीं, आपका इसमें पैसा भी सेफ रहेगा। दूसरी जो मैं कंपनी चूज किया भाई उसका नाम है बाटा इंडिया। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बचपन में इस कंपनी का जूते पहन के आप लोग स्कूल भी गए होंगे। इस कंपनी का भाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बिकता है, इनका जो शोरूम है विदेशों में भी है। आप लोग को पता ही होगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ही जबरदस्त है। बाटा इंडिया का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो देखो, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 52.96% होल्डिंग है। FIS का जो होल्डिंग है बाटा इंडिया में 11.14% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है बाटा इंडिया में 16.83% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है बाटा इंडिया में 4.51% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है 0.24% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 14.32% होल्डिंग है। कोई भी शेयर बाटा इंडिया का प्लेस दिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। आपको मैं वैल्यूएशन भी दिखा दे रहा हूँ बाटा इंडिया का।
पी रेशियो है बाटा इंडिया का 53.45 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है बाटा इंडिया का 10.09 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, आरओसी जो लेटेस्ट है बाटा इंडिया का बहुत ही बढ़िया है भाई 45.54% का आरओसी लेटेस्ट है, आरओई लेटेस्ट देख लो 18.88% का। तो भैया मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो, वैल्यूएशन देख लो एक्सपेंसिव बता रहा है, एट्रैक्टिव जो प्राइस होगा बाटा इंडिया का वो 615 से 1094 के बीच एट्रैक्टिव प्राइस होगा, क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख लो गुड बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है बाटा इंडिया का 6.81% का है, एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का वो 9.29% का है। बाटा इंडिया लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखो भाई ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है, तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 1751.03% है, जो कि रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा, 1751% रिटर्न कम नहीं होता है। सेंसेक का रिटर्न है वो 187.07% है, 3 साल में देख लो भाई 3 साल में कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, देख सकते हो 140.92% है, सेंसेक का रिटर्न है 40.31% है, 1 ईयर में देख लो भाई 1 ईयर रिटर्न है 60.84% है, सेंसेक रिटर्न है 6.89% है, ईयर टू डेट में देख लो ईयर टू डेट रिटर्न है 18.57% है, सेंसेक रिटर्न है 7.47% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 18% रिटर्न बना के दे चुका है, 1 मंथ में देख लो 1 मंथ में रिटर्न है -5.41% है, सेंसेक रिटर्न है -2.97% है, 1 वीक में देख लो भाई 1 वीक में रिटर्न है -7.71% है, सेंसेक का रिटर्न है -2.87% है, 1 डे में देख लो 1 डे में रिटर्न है -1.73% है, सेंसेक का रिटर्न है 0.53% है। तो भैया आप लोग बाटा इंडिया में पैसा लगाइए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है, लॉन्ग टर्म में तो आपको पैसा बना के देगा ही बाटा इंडिया। तीसरी जो मैं कंपनी चूज किया हुआ है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आप सभी लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, तो भैया जब प्रोडक्ट यूज करते हो तो शेयर में पैसा लगाओ, आपका पैसा बनेगा ही, और ये ऐसी कंपनी है फ्रेंड जिसमें आप सब लोग को पैसा लगाना ही चाहिए। एचयूएल का कुछ मैं आपको ब्रांड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव विल 2-in-1 डोमेक्स सनलाइट वीम सर्फ एक्सल रीम कम्फर्ट, तो ये सब भाई कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आप सभी लोग जानते हो, तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए। एचयूएल का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 67.18% होल्डिंग है, एफआईएस के पास जो होल्डिंग है एचयूएल में 12.06% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है एचयूएल 2.2% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है एचयूएल 4.27% होल्डिंग है, अदर डे पर जो होल्डिंग है एचयूएल 0.46% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 13.82% होल्डिंग है, कोई भी शेयर एचयूएल का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एचयूएल का, पी रेशियो है एचयूएल का 60.01 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है एचयूएल का 48.55 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड देख लो भाई बहुत ही बढ़िया है इसका 1.28% का डिविडेंड यील्ड है, आरओसी लेटेस्ट देख लो 634.82% का आरओसी लेटेस्ट है, आरओई देख लो 80.91% का। तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कमी होगा आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो, वैल्यूएशन देख लो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है, क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ एचयूएल का, देख लो भाई एक्सलेंट है, सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का 6.41% का है, एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का 13.99% का है, तो मुझे इसका एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जबकि ये लार्ज कैप कंपनी है भाई, तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 549.49% है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा, सेंसेक का रिटर्न है वो 187.13% है, 3 साल में देख लो भाई 3 साल में रिटर्न है वो 86.47% है, सेंसेक का रिटर्न है 40.33% है, 1 ईयर में देख लो भाई
वन ईयर रिटर्न है 0.98% आने, सेंसेक्स रिटर्न है 6.90% आने, ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में -4.80% आने, सेंसेक्स रिटर्न है 7.49% आने, वन मंथ में देख लो भाई, वन मंथ रिटर्न है -6.02% आने, सेंसेक्स रिटर्न है -2.98% आने, वन वीक में देख लो, वन वीक में -3.42% आने, सेंसेक्स रिटर्न है -2.88% आने, वन डे में 0.76% आने, सेंसेक्स रिटर्न है 0.53% आने। तो भैया आप लोग एचयूएल में मंथली एसआईपी कीजिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आपका इसमें पैसा भी सेफ रहेगा। चौथी जो भाई मैं कंपनी चूज किया हूँ उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है भाई, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और भी कई सारी एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी लिस्टेड है जिसमें आप लोग मंथली एसआईपी कर सकते हो, जैसे एचडीएफसी एमसी, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ, ये सब कंपनी में भी आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 26.5% होल्डिंग है, एफआईएस का जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में 38.71% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में 13.32% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में 2.77% होल्डिंग है, अदर डे पर जो होल्डिंग है 0.32% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 18.19% होल्डिंग है। कोई भी शेयर एचडीएफसी बैंक का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। एचडीएफसी लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है 15.87% का होल्डिंग है, वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो भाई 30.99 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है एचडीएफसी बैंक का 4.38 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड जो है एचडीएफसी बैंक का 0.63% का डिविडेंड यील्ड है, आरओई लेटेस्ट देख लो बहुत ही बढ़िया है 14.13% का, आरओए जो लेटेस्ट है 1.69% का है, नेट एनपीए टू बुक वैल्यू है एचडीएफसी बैंक का 2.15 का नेट एनपीए टू बुक वैल्यू है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा माना जाएगा। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अब तक किस तरह रिटर्न बना के दे चुका है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जबकि ये लार्ज कैप कंपनी है भाई। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 769.72% है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 187.32% है, 3 साल में देख लो, 3 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, देख सकते हो 101% है। सेंसेक्स का रिटर्न है 40.43% है, 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में रिटर्न है 12.32% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 6.98% है, ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में रिटर्न है 13.60% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 7.53% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 13% रिटर्न बना के दे चुका है, वन मंथ में देख लो भाई, वन मंथ में रिटर्न है -1.56% है, सेंसेक्स का रिटर्न है -2.89% है, वन वीक में देख लो, वन वीक में रिटर्न है -2.92% है, सेंसेक्स का रिटर्न है -2.79% है, वन डे में देख लो भाई, वन डे में रिटर्न है 1.04% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 0.62% है। तो भैया आप लोग एचडीएफसी लिमिटेड को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दो, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप लोग इसमें मंथली एसआईपी करना चाहते हो तो मंथली एसआईपी करो, लमसम पैसा लगाना चाहते हो तो लमसम पैसा लगाओ, जो करना भाई करो, लेकिन इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। पांचवी जो मैं कंपनी चूज किया भाई उसका नाम है बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 कंपनी है। अगर आप लोग मेरे जैसा 60-70% रिटर्न ईयरली बनाना चाहते हो तो आप लोग बजाज फाइनेंस से मंथली एसआईपी करो, आपको ये बहुत ही तेजी से रिटर्न बना के देगा भाई। इस ग्रुप की एक और कंपनी है निफ्टी 50 का ये स्टॉक है बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व में पैसा लगा सकते हो। बजाज फाइनेंस का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 55.17% होल्डिंग है, एफआईएस के पास जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 20.67% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है बजाज फाइनेंस में 7.17% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 0.79% होल्डिंग है, अदर डीए पर जो होल्डिंग है 0.54% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 15.66% होल्डिंग है। कोई भी शेयर बजाज फाइनेंस का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है 54.99% होल्डिंग है,
गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास जो होल्डिंग है 3.69% होल्डिंग है। बजाज फाइनेंस का आपको मैं वैल्यूएशन भी दिखा दे रहा हूँ, पी रेशियो है बजाज फाइनेंस का 51.08 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है बजाज फाइनेंस का 10.16 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, आरओसी लेटेस्ट देख लो बहुत ही बढ़िया है बजाज फाइनेंस का 30.62% का आरओसी लेटेस्ट है, आरओई देख लो भाई 19.89% का। तो भैया मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशन यहाँ पे देख सकते हो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है, एट्रैक्टिव जो प्राइस होगा बजाज फाइनेंस का वो 1576 से 1850 के बीच एट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ बजाज फाइनेंस का, तो देख लो एक्सलेंट बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है बजाज फाइनेंस का 33.93% का है, एबिट ग्रोथ देख लो 5 ईयर का 35.08% का। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। बजाज फाइनेंस लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 24,233.14% है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। सेंसर का रिटर्न है वो 187.54% है, 3 साल में देख लो 3 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न है 306.34% है, सेंसर का रिटर्न है 40.56% है, 1 ईयर में देख लो भाई 1 ईयर में 47.89% है, सेंसर का रिटर्न है 7.07% है, ईयर टू डेट में देख लो भाई ईयर टू डेट में 31.87% है, सेंसर का रिटर्न है 7.66% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 31% का रिटर्न बना के दे चुका है, 1 मंथ में देख लो भाई 1 मंथ में रिटर्न है -1.76% है, सेंसर का रिटर्न है -2.80% है, 1 वीक में देख लो 1 वीक में रिटर्न है -6.60% है, सेंसर का रिटर्न है -2.70% है, 1 डे में देख लो भाई 1 डे में रिटर्न है 1.71% है, सेंसर का रिटर्न है 0.71% है। तो भैया आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मैं खुद भी इस कंपनी में मंथली SIP करता हूँ। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाओ, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। धन्यवाद।